जी सर, बताइए आज जो है आप बरवाला पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला था और आज एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें क्या कुछ मांगे रखी? आज से 2 दिन पहले जो स्थानीय मंत्री हैं अनूप धानक, उनके आवास के सामने पीड़ित परिजनों ने एक धरना किया था कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। और उसमें ये तय हुआ था कि इस मैटर में हम गिरफ्तारी ना होने की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनके आगमन के टाइम पर उनको अर्धनग्न होकर काले झंडे दिखाने का हम काम करेंगे। तो पुलिस ने आनन फानन में इस मामले में, ताकि बीच का रास्ता निकालते हुए, ताकि पीड़ितों पर भी धरना खत्म करने का दबाव बनाया जा सके और आरोपी को भी बचाया जा सके, इस मैटर में आनन फानन में अपनी जांच पूरी की। जांच पूरी करके चालान 2 कोर्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून सीआरपीसी SC ST एक्ट का सेटल्ड लॉ ये कहता है कि आप कोर्ट में चालान दे रहे हैं, चालान देने से पहले आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए, उससे पूछताछ होनी चाहिए, उससे विस्तृत जांच में वो शामिल होना चाहिए। लेकिन इस मामले में पुलिस ने आउट ऑफ वे जाकर, पुलिस का मैं नाम नहीं लूंगा, इस मामले में जांच अधिकारी गौरव शर्मा ने आउट ऑफ वे जाकर आरोपी को पुलिस बेल देने का काम किया। SC ST एक्ट नॉन कंपाउंडेबल नॉन सॉरी कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंसेज का एक कानून है, विशेष कानून है, और इसमें किसी भी तरह से एंटीसिपेटरी बेल का, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। अग्रिम इसमें दफा 18A सेक्शन प्रोवाइड कराया गया है SC ST एक्ट में, जिसके अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस केस के आरोपी को जमानत नहीं दे सकती अगर उसके खिलाफ प्राइमा फेसाई केस बनता हो। हमारे मामले में, इस बच्चे के साथ उत्पीड़न के मामले में, प्राइमा फेसाई केस मेड आउट होता है। इसके बावजूद इसने एक गैरकानूनी कदम उठाते हुए आरोपी को फायदा पहुंचाने की नीयत से उसने इसको बाहर की बाहर जमानत दे दी, पुलिस बेल दे दी। पुलिस बेल, मैं आपको बता दूं, पुलिस बेल आम तौर पे जो दी जाती है वो बहुत छोटे छोटे ऑफेंस हो गए, जुए का हो गया, शराब का हो गया, 157 का हो गया, इस तरह के अपराधों में पुलिस बेल दी जाती है। लेकिन ऐसी ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि SC ST एक्ट में इन्होंने पुलिस बेल देने का काम किया है। तो हमको कल जो ई कोर्ट अदालत की साइट है उससे पता चला कि इन्होंने पुलिस ने कोर्ट में चालान दे दिया है, और अदालत ने, जो हिसार की विशेष अदालत है, और विशेष अदालत ने आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों को नोटिस दिए हुए हैं, और इसमें शायद 3 अक्टूबर की तारीख फिक्स की गई है। लेकिन अदालत अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जो पुलिस का जो एक रोल था ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करने का, वो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। जांच अधिकारी के बारे में हमें पता चला है कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है, आरोपी के बारे में हमें पता चला है ब्राह्मण कम्युनिटी से है। तो इसमें सीधा सीधा जो DSP गौरव शर्मा है उसने दफा 4 SC ST एक्ट के तहत अपराध किया है। दफा 4 SC ST एक्ट ये कहता है कि जानबूझकर केस, SC समुदाय के केस को कमजोर करने के लिए अगर जांच की जाती है तो वो SC ST एक्ट के तहत 4 के तहत वो जांच अधिकारी अपराधी है। इसके अतिरिक्त IPC की धारा दफा 166, 166A और 217 और 219 भी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि इसमें कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून की जो डायरेक्शन है उसको इग्नोर करके किसी आरोपी को फायदा बचाना, उसे कानून की सजा से बचाना और उसे लीगल प्रोसीडिंग्स से बचाना, ये भी एक अपराध इस इन धाराओं के तहत अपराध है। तो DSP साहब ने ये सारे के सारे अपराध किए हैं। आज हम यहाँ पर आए थे लघु सचिवालय बरवाला में, पीड़ित परिवार साथ है, हमारे सभी साथी समाज के जो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं सारे के सारे हमारे साथ हैं, और हम सब ने मिलके मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, उस पर पीड़ित परिवार के दस्तखत हैं, और उसमें हमने मांग की है कि इस DSP के खिलाफ दफा 4 SC ST एक्ट, दफा 166, 166A, 217 और 219 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए और इसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके दिमागों में जाति के इंजेक्शन लगे हुए हैं वो बिल्कुल भी पब्लिक डीलिंग के लायक नहीं है, ऐसे अधिकारियों को खाकी वर्दी पहनने का बिल्कुल भी हक नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि हरियाणा में जो पुलिस अधिकारी तैनात है, खासतौर पर SC ST एक्ट में जांच करने वाले जो DSP है, ये DSP पुलिस के अधिकारी ना होकर इनके अंदर जातिवादी गुंडे इन वर्दियों के अंदर घुसे हुए हैं, जो खास तौर पे एक कम्युनिटी के उत्पीड़न को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो आज हमने ये ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, कल ही हम पीड़ित परिवार की तरफ से DSP, SP, ADGP,
डीजीपी और होम सेक्रेटरी को लीगल नोटिस भेजेंगे कि इस डीएसपी को बर्खास्त किया जाए, 15 दिन के अंदर बर्खास्त किया जाए। अगर 15 दिन के अंदर हमारे लीगल नोटिस पे कार्रवाई नहीं होती है तो SC ST एक्ट की विशेष अदालत में इस डीएसपी के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगे। इस डीएसपी को हम नौकरी पे नहीं रहने देंगे। आज मुख्यमंत्री का विरोध भी करने वाले थे सर। मुख्यमंत्री का हम विरोध करने वाले थे, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन्होंने कोर्ट में चालान दे दिया और उस चालान का संज्ञान लेके विशेष अदालत ने आरोपी को नोटिस जारी कर दिया। अब मामला विचाराधीन अदालत हो गया और इन्होंने पुलिस बेल दे दी उसको। कहीं ना कहीं इन्होंने एक जानबूझकर कानूनी टेक्निकल अड़चन अड़ा दी, जिसके चलते हमको ये जो काले झंडे दिखाने वाला प्रोग्राम था वो स्थगित करना पड़ा। अब हम इस मामले में जो अपनी कानूनी सख्त कानूनी कार्रवाई जो है इस डीएसपी के खिलाफ, उस आरोपी के खिलाफ, वो करने का काम करें। सर, प्रावधान तो ये भी है, अगर आप अधिकारी से संतुष्ट नहीं है, जांच अधिकारी से, तो आप अपना अधिकारी बदल सकते हैं। हम अधिकारी से पीड़ित परिवार को इस बात का मौका ही नहीं दिया गया कि वो जांच अधिकारी बदलवाने का काम करे। 21 तारीख की घटना है और आज आप देखिए 7 तारीख है, केवल 15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने सारे का सारा प्रोपेगंडा करके वो कर दिया। आम तौर पे SC ST एक्ट में जो चालान दिया जाता है, पुलिस जो है 3 महीने के अंदर चालान देने का काम करती है, लेकिन इस केस में आनन फानन में आरोपी को बचाने के लिए जांच की गई, 15 दिन में जांच वो अंतिम रिपोर्ट तैयार करके टू कोर्ट कर दी गई। अब पीड़ित परिजनों को गुमराह किया गया और वहां पर जो धरने पे जो 2 पुलिस अधिकारी हमारे समाज के लगाए हुए थे, उन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से पीड़ित परिजनों को यह कहा गया कि 2 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, आप अपना धरना स्थगित कर दीजिए। और इसकी आड़ में चुपके से पीछे से इन्होंने जांच को है ना फाइनल रूप देकर टू कोर्ट कर दिया। सर, 3 महीने में अगर जांच पेश करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं, तो फिर आप कहते हो कि लेट कर दी जाती है, नहीं 15 दिन में कर दिया तो अब इसका इस नहीं देखिए इसमें स्पष्ट है, इसमें स्पष्ट है SC ST केवल अगर SC ST एक्ट में केस दर्ज हो तो 30 दिन के अंदर जांच पूरी करनी है। अगर SC ST एक्ट के साथ कोई IPC की धारा लगी हुई है तो टाइम एक्सटेंड 3 महीने तक हो जाता है। इसमें SC ST एक्ट है और इसमें JJ एक्ट है, तो इसमें 2 महीने का टाइम पुलिस के पास था। और इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दी जांच कर दी। जल्दी जांच क्या कर दी इन्होंने? इन्होंने कोई हमको न्याय देने का काम थोड़ी किया है। इन्होंने तो आरोपी को पुलिस बेल दे दी आउट ऑफ वे जाकर, गैर कानूनी तरीके से, नाजायज रूप से, SC समुदाय के व्यक्ति द्वारा फाइल केस को कमजोर करने के लिए और आरोपी के केस को मजबूत करने के लिए इन्होंने इस तरह से आउट ऑफ वे जाकर नजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इस केस में जांच करने का काम किया है। इस जांच में जातिवाद पूरी तरह हावी रहा है, इस जांच में राजनीति पूरी तरह हावी रही है और इस जांच में एक सरकारी दमन जो SC समुदाय के लोगों का, वो आप लोगों को साफ नजर आया होगा। सर, परिवार की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से किसी भी अधिकारी से सवाल करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि लिखित में हमें कोई शिकायत नहीं दी गई, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस मामले में हमारे संज्ञान में भी आया है कि पीड़ित परिवार को धमकियां देने का काम किया जा रहा है और उनको उनके ऊपर दबाव बनाया जाने का काम किया। अभी मैं पहली बार पीड़ित परिवार से सामने रूबरू हुआ हूं, इससे पहले मिला हूं लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मिला हूं। तो आज हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जो जो लोग इनके पर दबाव बनाने वाले हैं, जो जो लोग इनके ऊपर धमकी देने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ हम अलग से शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे।